पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज़ सेवरल एप्लीकेशन इन द एरिया ऑफ बायोन्फॉर्मेटिक्स अब इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि बायोन्फॉर्मेटिक्स में पाइथन की क्या एप्लीकेशन है एट अ वेरी वेरी बिगनिंग लेवल अच्छा अब यहाँ पर हमें एक बात ये देखनी चाहिए कि बायोन्फॉर्मेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर डाटा सीक्वेंस के फॉर्मेट में होता है दैट सीक्वेंस डाटा कैन भी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब बायोलॉजिकल डाटा जो है वो सीक्वेंस के फॉर्मेट में है और जो हमारे पास पाइथन है उसमें लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है सो देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स कि जब हम डाटा स्ट्रक्चर्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं इन पाइथन तो लिस्ट हमें हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड और टू मेंटेन दोज बायलॉजिकल डाटा सीक्वेंसेस नाउ वी विल लुक एट सम बेसिक सीक्वेंस ऑपरेशन एंड हाउ टू रीड फाइल्स यूजिंग पाइथन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न मैचिंग पैटर्न मैचिंग से मुराद ये होता है कि अगर हम दो सीक्वेंस दें उनमें क्या सिमिलैरिटी है कि कौन से वो ऐसे पैटर्न हैं जो दोनों में सेम हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एग्जाम्पल हेयर कि अगर हम ये वाली चीज़ लेना चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम इज इक्वल टू दिस वन वाई बी आर डबल जीरो सेवन सी और ये डी एन ए सीक्वेंस हमारे पास अगर ये है अब हम ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न सपोज दिस वन इफ ए सी जी सी जी टी इज इन डी एन ए डी एन ए हमारे पास क्या चीज़ है ये कंप्लीट सीक्वेंस अब हम ये कहते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर इन्फ़र्मेशन इस डी में है तो इट हैज़ एम सो बेसिकली अब क्या हम देखेंगे हम ये चेक करेंगे कि ए सी जी सी टी इस वाले पैटर्न में है तो हमें क्या पता लगा कि ये पार्ट यहाँ पे मौजूद है अब अगर ये पार्ट मौजूद है तो हम ये सिंपल कहेंगे कि ये पैटर्न इसमें मौजूद है तो बेसिकली दिस इज़ एन एग्जांपल विच इज़ टेकन फ्रॉम अ अज प्रोमोटर सीक्वेंस और कर क्या रही है सिंपल एक हम पैटर्न इनपुट करेंगे उस पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे गिवन सिक्वेंस में से अगर वो मौजूद है तो हम उसे रिजल्ट कर देंगे अच्छा अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पुट की गई सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन ऑल्सो कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे कौन से हैं जो इफ़ एल स्टेटमेंट्स हैं यानी कि अब हमने यहाँ पे इफ़ की एक स्टेटमेंट यूज़ की है जिसके अंदर हमने बताया कि अगर ये इसमें अक्कर हो तो वो प्रिंट कर दें अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने की ज़रूरी है जो समझने के लिए भी कि जब आप इफ़ स्टेटमेंट आप देते हैं और नीचे प्रिंट करवा रहे हैं वहाँ पर ये आपको गैप देना पड़ेगा रीज़न बिकॉज दिस इज इंड पार्ट कि पाइथन में पार्ट ज़रूरी है कि जो स्टेटमेंट नीचे आ रही है दैट बिकम्स पार्ट ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट मूविंग ऑन क्या हम फास्टा फॉर्मेट को पढ़ सकते हैं यूजिंग पाइथन इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोज अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूँ कि हमारे पास ये एक फास्टा की फाइल है विच इज़ बेसिकली शोन जो हमें यह बताना चाह रही है कि कौन सी उसके पार्ट्स हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो ये जो मैंने सिम्पल यहाँ पर रखी विच इज़ बेसिकली दिस वन अगर यहाँ पर मैं ये सी जी डबल वन सिक्स जीरो फोर लिखूँ विच इज़ बेसिकली अ फास्टा फॉर्मेट विच कैन बी डाउनलोडेड फ्राम इंटरनेट ऑल्सो तो वो क्या करेगा इस फाइल को जब करेंगे तो वो इसका रिजल्ट हमें ये दिखाएगा सिमिलरली फाई एंटर सी जी डबल वन फोर डबल फाइव इट विल शो दिस रिजल्ट एंडी फाइव सी जी डबल वन फोर डबल एट इट विल शो दिस रिजल्ट तो सिंपल हम पाइथॉन के एडिटर पर सिंपल अगर हम सीक्वेंस या फाइल का नाम लिखते हैं तो वो जो उसके कॉन्टेंट्स हैं उनको उठा कर हमें शो करवा देता है यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि ये पूरे का पूरा मैंने सीक्वेंस नहीं उठाया ये सिंपल मैंने शो करने के लिए उसमें से कुछ करैक्टर्स उठाए हैं प्रिंटिंग ऑल सीकवेंसिस नेम इन अ फास्टा डेटा अब जो मैंने पहले वाली लास्ट स्लाइड में बेसिकली जो फॉर्मेट्स पढ़े थे उनको मैंने सेव कर लिया था फ़्राई थ्री यू फाइल के नाम से जो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ अच्छा अब यहाँ पर मैं ये शो करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास पाइथन है उसमें हमारे पास लूपिंग कैसे होती है फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने फॉर का ऑपरेटर यूज़ किया जो हमें बताता है कि हम मल्टीपल लाइन्स पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं फॉर लाइन इन ओपन फ्लाई थ्री यूटीआर डॉट टी एक्स टी ये वो फाइल है जिसमें वो सारे सीक्वेंसेज आ रहे थे अब ये क्या करेगा हर लाइन को पढ़ेगा इफ़ लाइन डॉट स्टार्ट विद दिस सिंबल अगर इस सिम्बल से लाइन स्टार्ट करे तो उसको प्रिंट कर दो अब जो हमारी प्लास्ट स्लाइड थी उसमें तीन नाम हमारे ऐसे थे जो इस सिंबल से यूज शुरू हो रहे थे वो हमारे पास ये फाइलों के नाम थे थ्री जी डबल वन सिक्स जीरो फोर एंड सो ऑन तो अब ये हमने स्लाइड इस इसलिए यहाँ पे पुट की है सो दैट इफ़ वी वॉन्ट टू राइट सम लूपिंग स्टेटमेंट लूप स्टेटमेंट से मुराद ये है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल मेकिंग टेबल्स और हम कोई भी सीक्वेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए तो वो ये फॉर लूप्स हैं फाइंडिंग ऑल सीक्वेंस लेंथ अब अगर हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास सिक्वेंसिस थे उनकी लेंथ क्या है लेंथ से मुराद क्या है जो हमारे सीक्वेंस में करेक्टर्स थे विच आर शोन बेसिकली इन दिस पार्ट कि हमने फाइल रीड की और उनके अंदर जो सिक्वेंस हैं उनकी लेंथ क्या होगी विच इज़ बेसिकली दिस आउटपुट फिफ्टी एट एटी थ्री एंड सिक्सटी नाइन हमें क्या कोड करना पड़ेगा तो सेम हम सबसे पहले फॉर लाइन इन ओपन ये मैंने अपने जो सिस्टम पे हमारा सीक्वेंस का एड्रेस है टेक्स्ट फाइल का वो हमने यहाँ पे किया लाइन डॉट लाइन डॉट आर स्ट्रिप आर स्ट्रिप का मतलब ये है कि राइट right साइड से स्ट्रिप कर दो काट दो इफ लाइन स्टार्ट विद दिस सिंबल तो फिर हम सिंपल क्या करो इफ़ नेम एंड लेंथ और उन दोनों का अगर नेम और लेंथ भी हो तो प्रिंट नेम और लेंथ नेम से मुराद सी जी वन वन जीरो सिक्स फोर और लेंथ फिफ्टी एट करेक्टर जो इसमें मौजूद हैं सिमिलरली बाकी सबके लिए भी हम ये करेंगे और हर दफा उसे रिटर्न करते जाएंगे और ये प्रिंट हम करवा रहे हैं सो दैट फाइनली वी हैव प्रिंट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइल्स विद देयर लेंथ्स